सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो दिस इज आर स्केच आर्ट एंड आज के इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ दीपिका पादुकोण की ये वाली रेफरेंस फोटोग्राफ। बिकॉज जैसा कि आप अर्जुन सेठी स्केचेस को जानते ही होंगे, सो उन्होंने ही ड्राइंग कंपटीशन के तौर पर इस रेफरेंस फोटोग्राफ को रखा है। सो बाय द वे, अगर आप भी इस ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को डिटेल्स में देख सकते हो। एंड मैंने इस फोटो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इजीली डाउनलोड करके ड्रॉ कर सकते हो। सो आप देख सकते हो ये कुछ फ़ोटो है एंड ये फ़ोटो मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड आप देख सकते हो इसकी जो डिटेलिंग्स है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी है। सो हम इसकी डिटेलिंग को अच्छी तरीके से कवर अप कर पाएंगे। सो चलिए अब हम इसमें ग्रिड के थ्रू इसकी जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ करेंगे। सो ग्रिड के लिए मैं हमेशा इसी ऐप का यूज़ करता हूँ जो कि ड्राइंग ग्रिड मेकर है। सो ये यूजली मतलब ये काफ़ी इजी वे इजी है इस ऐप को यूज़ करना, इसलिए मैं इस ऐप का यूज़ करता हूँ। सो आप भी कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मैं हमेशा ही बताता हूँ कि यहाँ पे जो BNW वहाँ पे क्लिक करके आप रेफरेंस फोटोग्राफ को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लो। एंड देन यहाँ पे जो SQ है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो डब्बा है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मेरी जो स्क्वायर डब्बा थे वो सारे स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड देन इनमें और भी सारे कुछ कुछ जो फीचर्स हैं वो इस मतलब उसमें क्लिक करने के बाद आपकी जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो ऐसा करने के बाद आपकी जो ग्रिड है वो थोड़ी सी और मतलब इजी तो हो जाती है, बट इजी के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। सो उसका यूज़ मैं नहीं करता हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी उसका यूज़ ना ही करो। सो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली 14 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ बिकॉज मैं 2 सेंटीमीटर पे ग्रिड को ड्रॉ करूँ एंड तो A4 साइज़ में हमारी पूरी कवर अप हो जाएगी। तो इन सारे चीज़ों को हो जाने के बाद आप देख सकते हो जो इसकी लाइनें हैं वो कितनी ज़्यादा मोटी है। सो इसे हम इसमें थिकनेस लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हो जो इसकी स्क्वायर थी वो कितनी ज़्यादा थिकनेस हो गई। सो अब हम ड्रॉ करने में हमें काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अब मैं यहाँ से इसकी जो कलर थी ग्रिड की वो मैंने चेंज कर लिया है। सो अब मैं फाइनली इसे सेव कर लूँगा यहाँ से क्लिक करके एंड देन अब हम इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन को ड्रॉ करने से पहले अब हम पेपर पे जो आइवरी शीट है उस पर हम ग्रिड को ड्रॉ करेंगे एंड जो ग्रिड होगी हमारी उसकी लेंथ विड्थ सारी जो जो स्क्वायर हैं वो टोटली 2 सेंटीमीटर की होगी। सो चलिए कुछ इस तरीके से हम इस पर ग्रिड को ड्रॉ कर देते हैं। सो अब मैं 2 सेंटीमीटर पर मार्क कर रहा हूँ, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से आपको भी मार्क करनी है एंड एक परफेक्ट ग्रिड ड्रॉ करना है। इस तरीके से फाइनली हमारी जो ग्रिड थी वो कंप्लीट हो जाती है। सो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी है और मैंने इसे काफ़ी हल्के हाथों से ग्रिड को ड्रॉ किया है ताकि जब हम इसे इरेज करें तो ये इजीली इरेज हो जाए। सो अब हम इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। सो आउटलाइन को ड्रॉ करने से पहले तो मैं इसकी जो जहाँ से आप स्टार्ट करते हो उस पार्ट्स को आपको काउंट कर लेनी है ताकि आप इजीली परफेक्ट ग्रिड को ड्रॉ कर सको। तो मैं कुछ इस तरीके से काउंट कर ले रहा हूँ एंड मैं तो हमेशा आइज से ही स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इसकी जो आइज़ वाली पॉइंट है उसे काउंट करूँगा एंड इसकी आइज से स्टार्ट करूँगा। सो आप भी जो जिस पार्ट से यूज़ करते ड्रॉ करते हो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो आप उस पार्ट्स को काउंट कर लो। एंड एक और बात, जो आप मतलब फ़ोन से अगर ड्रॉ करते हो तो आपकी जितनी बड़ी जो आपकी ग्रिड है उतनी बड़ी आप रेफरेंस फोटोग्राफ को जूम कर लो ताकि आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में इजी आए। सो कुछ इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। सो देखते रहो वीडियो को।